बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक डुअल डायोड है। ये छोटे छोटे ये लगे हुए हैं, ये भी डुअल डायोड है। ठीक है, इस तरह से कई जगह डायोड मिलेंगे जो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझने लगते हैं कि हो सकता है ये मॉस्फेट हो सकता है ये ट्रांजिस्टर हो, लेकिन एक्चुअल में ये डुअल डायोड हैं। डुअल डायोड हैं ये, ठीक है, ये डबल डायोड हैं। ये डायोड हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू दिखा रहा है 0.512। अब इसमें ये निशान है, निशान दिख रहा है ये, ठीक है जी। ये क्या हुआ? कैथोड, कैथोड बोले तो निगेटिव, और ये एनोड, एनोड पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पे तो हम रेड प्रॉब रखेंगे और इधर ब्लैक प्रॉब रखेंगे, ठीक है जी। तो पॉजिटिव पे तो हम लिया है रेड प्रॉब, ठीक ठीक है। ये ब्लैक प्रॉब हम लाए इधर, अब हमने चेक किया तो अब इसको हम पलटेंगे, ठीक है। अब इसको हम पलटते हैं और पलटने पर वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है, नहीं आ रही। अगर ये वैल्यू आती तो इसको हम शॉर्ट मानते, या ये जो आ रही है अब, यानी कि पॉजिटिव पर हमने पॉजिटिव प्रॉब लगाई और नेगेटिव पर नेगेटिव लगाई और तब भी ना दे, तब इसे हम ओपन मानते। तो ये डायोड है जो लगभग 260, 250 से 500 के आसपास इनकी वैल्यू आती है, ठीक। अच्छा, कभी कभी कुछ डायोड ऐसे होते हैं जैसे कि वो सही चेकिंग का तरीका तो ये है कि डायोड को हम बाहर निकालें। अगर शॉर्टिंग है तो बता देगा, ओपन है तब भी बता देगा। अब हम आते हैं डबल डायोड पर। अब आप ये जो डुअल डायोड है इसके बारे में ज़रा सही तरीके से समझने की कोशिश करें आप। जैसे ये डायोड हो गया आपका, ये क्या लिखा है? NC, NC नॉट कनेक्टेड। ये क्या लिखा है? एनोड, और ऊपर कैथोड, ठीक, एनोड ऊपर कैथोड। तो अगर इसको सिंबल की तरह देखा जाए तो डायोड ये बना, यानी कि नॉर्मल डायोड, जैसे इससे पहले D4, D7, D3, D5, उस जैसा डायोड। ओके, क्लियर बात। अब हम आते हैं इस डायोड पर, ज़रा बात को बहुत सही तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। ई क्या है? कैथोड, कैथोड बोले तो निगेटिव, और ये क्या है? कैथोड, कैथोड बोले तो निगेटिव। आप ये मान लीजिए इसके अंदर दो डायोड लगे हुए हैं और उन दोनों डायोडों के निगेटिव वाले सिरे यानी कैथोड वो ये हैं, निगेटिव वाले सिरे ये हैं। अब बचा क्या इसमें? एनोड बचा ना, दोनों का एनोड बचा, तो दोनों एनोड को हमने ऊपर आपस में मिला दिया, दोनों इसका भी एनोड लिया और इस वाले का भी एनोड लिया, हमने यह मिला दिया। तो एनोड तो हो गया कॉमन, तो इसे कहेंगे कॉमन एनोड डबल डायोड। अब इसका अगर सिंबल देखें हम, तो आप इतना देखिए, सिर्फ ऊपर ऊपर, नीचे का देखें, चलो नीचे का देखें, ये डायोड है, इसका कैथोड आगे आ गया, एनोड पीछे चला गया। अब आप ऊपर वाले को देखिए, ठीक है, कैथोड ऊपर चला गया, एनोड नीचे आ गया, तो ये एनोड दोनों के मिल गए। ओके, एनोड, तो एनोड क्या हो गया? कॉमन हो गया, कॉमन एनोड डबल डायोड, क्लियर बात, ठीक। अगर हम, ये हमारा था कॉमन एनोड, अब इसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट कॉमन कैथोड। अब आप ये देख लीजिए, ये डायोड था हमारा, ये क्या है? कैथोड ऊपर वाला सिरा, ये भी कैथोड, कैथोड कैथोड आपस में मिल गए, ठीक, तो दोनों कैथोड तो मिल गए, तो ये कॉमन कैथोड हो गया,
इधर क्या बचा एनोड, इधर क्या बचा एनोड, इसी तरीके से इसकी एक पिन ये एनोड की हो गई, एक पिन दूसरी एनोड की ये हो गई और कॉमन कैथोड हो गया। तो ये डायोड होगा, इसका पूरा नाम हुआ कॉमन कैथोड डबल डायोड। बात क्लियर है? ये इसी में यूज़ हो रहा है, खूब यूज़ हुआ है ये वाले भी यूज़ हुआ है, ये वाला भी नहीं मिलेगा आपको ई सी एम में, कन्फर्म नहीं मिलेगा, कन्फ्यूज। इस तरह से खूब डायोड देखने को मिलेंगे आपको ई सी एम में, इनकी शक्ल इस तरह से हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था डायोड का टॉपिक था, उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर आप